तो पिछले साल ही सैमसंग ने अपना एक फ्लैगशिप रेंज का फोन सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का लॉन्च किया था। नो डाउट इसमें बहुत कुछ बढ़िया मिलता है, कैमरा, सॉफ्टवेयर, बैटरी, लुक, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया टॉप नॉच मिलता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से। और इस बार एस सीरीज के अंदर जो एस पेन मिलता है वो देखने को मिला था। हाँ, मुझे पता है नोट सीरीज डिसकंटिन्यू हो गया है, तो ऑन पेपर सैमसंग S22 अल्ट्रा के अंदर सब कुछ बढ़िया मिलता है, बट रियल लाइफ में सेम नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि थ्योरी में कुछ और होता है, प्रैक्टिकल करने जाओ तो कुछ और निकलता है, तो वैसा ही सेम केस हो गया सैमसंग S22 अल्ट्रा के साथ। मतलब इस फोन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिले, परमानेंट नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम है जो सैमसंग S22 अल्ट्रा यूजर्स फेस कर रहे हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, कि ये सैमसंग का कोई गलती तो नहीं हो गया, तो सब कुछ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, बट उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लास्ट तक देखने वाला अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। सैमसंग S22 अल्ट्रा लॉन्च होने के बाद अभी तक तो 3-4 अपडेट आ ही चुका होगा, और रिसेंट जो 2 अपडेट है उससे पहले कुछ प्रॉब्लम फेस किया है सैमसंग S22 यूजर्स। जैसे XDA डेवलपर का जो चीफ एडिटर है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 महीने पहले एक पोस्ट किया था कि ये फोन सैमसंग S22 अल्ट्रा बहुत लैग कर रहा है। अब इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन ले रहे हैं और लैग कर रहा है, ये कुछ हजम नहीं होता। बट यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि फिंगरप्रिंट देने के बाद भी फ़ोन अनलॉक होने में टाइम ले रहा है, उसके अलावा कोई भी अगर एप्लीकेशन को ओपन करने जाए तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मिड रेंज फोन यूज़ कर रहा है। और ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी उन्होंने ही पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं जब इस वीडियो पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखा जाए ट्विटर पर वो ट्वीट है कि नहीं। हालांकि मैंने इससे पहले स्क्रीनशॉट करके रखा था और वीडियो को डाउनलोड करके रखा था, बट अभी वो ट्वीट देखने को नहीं मिला। तो सोशल मीडिया में किसी पर विश्वास मत करो भाई, बहुत ज़्यादा फेक रहता है, यहाँ पर आदमी दिखाता कुछ और है, अंदर से कुछ और होता है। और इस प्रॉब्लम के अलावा भी स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम, डिस्प्ले फ्लिकरिंग इशू, हाँ डिस्प्ले फ्लिकरिंग इशू भी है सैमसंग S22 में। तो बहुत सारा प्रॉब्लम था सैमसंग S22 अल्ट्रा के अंदर। और यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो जितना भी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया, इनमें से कुछ प्रॉब्लम कुछ फ़ोन के अंदर था, कुछ प्रॉब्लम दूसरे फ़ोन के अंदर था, दूसरे यूनिट के अंदर था, ऐसा नहीं कि सभी प्रॉब्लम एक ही फ़ोन में था, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग यूज़र ने रिपोर्ट किया है, तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। और रिसेंट अपडेट के बाद जो लोग ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उन लोगों ने बताया कि ज़्यादातर प्रॉब्लम इनमें से सॉल्व हो गया, मेनली जो परफॉर्मेंस वाला इशू था वो, पहले से फ़ोन ज़्यादा स्मूथ हो गया। बट अभी यहाँ पर ट्विस्ट आता है, इस रिसेंट अपडेट के बाद एक प्रॉब्लम है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, सुन लो। और ये है बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रेन हो रहा है फुल चार्ज से, नहीं, अभी प्रॉब्लम कैसा है कि मान लो बैटरी में 10% चार्ज से नीचे आ चुका है, तो वहाँ पर 10% चार्ज से जब नीचे आ जाता है तो वो 5 मिनट भी नहीं चलता वो 10%, और 5% पर आने के बाद तो फ़ोन खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। तो मतलब वो 5% 5 मिनट चलता है, उसके बाद फ़ोन खुद ब खुद एकदम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ये हो सकता है कि आपको उतना मेजर प्रॉब्लम ना लगे, बट कुछ लोगों के लिए बहुत ही मेजर है, ऐसा होता है कभी कभी, मेरे साथ भी ऐसा होता है पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि फ़ोन पर चार्ज नहीं है बट कोई अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है, तो उस टाइम पर वो 10% जो रहता है फ़ोन पर वो बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। और ज़्यादातर फ़ोन पर अभी के टाइम पर क्या हुआ है कि अगर फ़ोन का परसेंटेज 10 या फिर 20% पर आ जाए ना, तो फ़ोन खुद ब खुद जो बैकग्राउंड में अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है सभी को ऑफ कर देता है, और इसी वजह से चार्ज ज़्यादा मिलता है। बट सैमसंग S22 अल्ट्रा के केस में एकदम उल्टा हो रहा है, 10% से नीचे आ रहा है तो सिर्फ 5 मिनट का बैटरी बैकअप, 5% जाकर फ़ोन एकदम डेड, मतलब ऑफ हो जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है अभी के टाइम पर, बाकी सारा प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन में सॉल्व हुआ है। और सैमसंग के फ़ोन से मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे यूज़र्स मुझे बोलते हैं कि कोई अपडेट के साथ कुछ प्रॉब्लम किसी फ़ोन में, मतलब एक ही फ़ोन है 2 लोगों के पास, और दोनों के फ़ोन में अगर सेम प्रॉब्लम है ना तो कोई अपडेट से एक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बट दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अभी इसका रीज़न हो सकता है सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया, ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो जाए, कोई परमानेंट प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रहा। और उसके अलावा ये सॉफ्टवेयर के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेसर का भी फॉल्ट हो, क्योंकि इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो बहुत हीट करता है, बट हीटिंग के अलावा उतना कुछ मतलब प्रॉब्लम आना तो नहीं चाहिए। तो आई थिंक जैसा जितना मुझे लगता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक अपडेट के साथ फिक्स कर देगा सैमसंग, नेक्स्ट अपडेट में ही हो सकता है फिक्स हो जाए, बट अभी के टाइम पर प्रॉब्लम तो आ रहा है। और ये अगर फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर इतना प्रॉब्लम आए तो फ्लैगशिप फ़ोन लोग खरीदते ही क्यों है भाई, इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और उसके साथ भी अगर प्रॉब्लम आए तो मतलब वर्थ नहीं रहता। आप लोग बताओ, अगर आपके पास सैमसंग S22 अल्ट्रा है
तो आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं नीचे कमेंट सेक्शन पर बताओ, और नहीं है तो अगर प्लान कर रहे हो लेने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार और सोच लो, हो सकता है कि आपका यूनिट अच्छा निकल जाए, हो सकता है कि उसमें भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं मिलूंगा इंस्टाग्राम पर या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो पर दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।